नमस्कार, कैसेग्रेन.com में आप सभी का स्वागत है। आज जब मैं हूँ गोगी और आपकी यहाँ पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आज जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो है एसर के लैपटॉप के बारे में कि मान लीजिए एसर के लैपटॉप में आप जब वो कीबोर्ड माउस वगैरह माउस जो वो यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप का इनबिल्ट वाला माउस पैड टच पैड जो वो वर्क नहीं कर रही और आप सोचते हैं यार खराबी क्या आ गई है। तो इसके देखिए ठीक करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका मैं पहले से बता चुका हूँ और ये जो वो अगला तरीका है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो और आगे वीडियो पूरी देख लो और सीख लो। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना मेरे भाई, सीखने से पहले गारंटी है हेल्प कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है स्टार्ट बटन पर। तो जैसे आप स्टार्ट बटन दबाएंगे, देखिए प्रॉब्लम यहीं पर ये है ना कि ये माउस आपका यहाँ पर है और ये हिल नहीं रहा है। आप इसको यहाँ से हिलाएंगे, कितना भी हिलाइए ये यहाँ से हिलता ही नहीं है, ये यहीं पर रहता है। अब आप देखिए स्टार्ट बटन पर चले गए हैं, यहाँ से यहाँ स्टार्ट बटन ये वाला दबा करके, और आपको लिखना है यहाँ पर MOUSE माउस, MOUSE आप लिखेंगे ना माउस तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। माउस सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाए, आप एंटर दबा दीजिएगा, ये एंटर बटन है एंटर, और इस तरह से सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स कुछ इस तरह से होनी चाहिए आपकी। आप टैब दबाएंगे ना, जो ये यहाँ पर टैब बटन होता है इससे आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। देखिए आप टैब दबाइए और आगे चला जा रहा है। यहाँ पर सारी सेटिंग्स आप देख लीजिएगा इस तरह से हो, और उसके बाद यहाँ पर देखिए जब ये यहाँ पर आ जाए माउस से दबाते हुए इस पर, तो आपको क्या करना है, ये आपको नीचे वाला जो आपका बटन है इसको दबाते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है, और आपको टच पैड पे जब आ जाए तो आपको एंटर दबा देना है। एंटर बटन आपको मिल जाएगा आपके कीबोर्ड में, एंटर दबाइए। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो आपके सामने जब वो काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी एक ऑप्शन जब वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से टैब दबाना शुरू करना है, टैब वाला बटन। और टैब वाला बटन आप जैसे ही दबाएंगे देखिए आपका ऑप्शंस वहाँ से आगे हिल रहे हैं। ये देखिए ये ऑफ वाले पे आ गया है, ये आपका अब सर्कल बन गया ना ऊपर से। अब आपको इसको ऑन कैसे करना है, आपका माउस तो चल ही नहीं रहा है। तो आपको ये वाला जो लंबा वाला बटन है स्पेस वाला, इसको जैसे दबाएंगे देखिए आपको वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं दबा रहा हूँ 1 2 3, ये दब गया, अब आपका माउस चल पड़ा है। देख सकते हैं आप माउस चल पड़ा। अगर आपको ये वाली जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाइए ताकि ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। बने रहे हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।